ईसीजी करवाने के लिए आए हैं भाई का। इधर थैली मेरे भाई का निकल चुका है। अब भाई पहले जैसा शरीर अब नहीं रह गया, ताकि तो हम तो सोने से बचेंगे नहीं सकते। भाई अभी लेटा, अभी फिलहाल बेहोश है भाई। सो हेलो एवरीवन, फिर स्वागत करते हैं आप सबका एक न्यू वीडियो में। तो फिलहाल भाई बहुत ज़्यादा हम परेशान हैं और अभी हम हॉस्पिटल आए हैं। हमारे घर से लमसम 5 किलोमीटर दूर एक कौड़िया हॉस्पिटल पड़ता है, वहीं पर आए हैं, रामकृष्ण मिशन भी कहते हैं। तो छोटा भाई का भाई तबीयत बहुत ज़बरदस्त वाला ख़राब हो चुका है, क्या ही बताएं। 3-4 दिन से बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल में गए, दिखाएं कुछ भी आराम नहीं मिल रहा था। तो फिलहाल अभी हम आए हैं कौड़िया हॉस्पिटल में छोटे भाई को लेके, और जस्ट अभी एडमिट भी करवा चुके हैं। देखते हैं बाकी क्या होता है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। डॉक्टर बोल रहे हैं ऑपरेशन करने के लिए, कुछ भी पता नहीं चल रहा कि ऑपरेशन में कितना खर्चा आएगा कितना खर्चा नहीं आएगा। हो सकेगा तो वीडियो कुछ दिन तक नहीं आएंगे, जैसा भी होगा आप लोगों को पता चलता रहेगा, अपडेट थोड़ा थोड़ा देने की आप लोग कोशिश करेंगे। अभी तो छोटा वाला भाई का बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि करना क्या है। फिलहाल डॉक्टर ने एडमिट कर लिया मेरे भाई को और बोल रहे हैं कि ऑपरेशन करने के लिए। तो पेट में बहुत ज़बरदस्त वाला दर्द है, कम हो ही नहीं रहा है। तो अभी ठंडा पानी और बिस्किट वगैरह लेने के लिए गए थे, क्योंकि दवा अगर चढ़ रहा है ना तो भाई को थोड़ा सा भूख लगा है। तो ये देख सकते हैं हॉस्पिटल अंदर है। तो फिलहाल जाते हैं और भाई से बातें करवाते हैं, अगर वो बात करने लायक होगा तो। ईसीजी करवाने के लिए आए हैं भाई का। इधर क्या ही बताया जाए भाई, इतना परेशानी हम लोग अभी झेल रहे हैं, इतना ज़्यादा तबीयत भाई का इस समय ख़राब है, क्या ही बताया। तो अभी इधर ईसीजी का पर्चा निकल रहा है और अल्ट्रासाउंड वाला भी निकलेगा कुछ देर में, उसको भी लेके चलना है। तो डॉक्टर साहब बोले कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, देखते हैं फिर क्या होता है। तो फिलहाल भाई जाँच वगैरह करवा लिया मैंने और अभी जा रहे हैं भाई को जहाँ पर मतलब भर्ती किया गया जिस वार्ड में, तो वहीं पर अभी जा रहे हैं। तो डॉक्टर साहब मैं बोले तो बहुत लोग बोले जनरल में रखना है या फिर प्राइवेट में, तो हमने बोला भाई जनरल में रखिए क्योंकि अभी इतना पैसा अगर अपने पास नहीं है। तो फिलहाल चलते हैं जहाँ पे भाई भर्ती है, जाँच अगर हो गया रिपोर्ट मिल चुका है। तो फिलहाल भाई अभी लेट के आराम कर रहा है, देख सकते हैं इधर थोड़ा सा पेट दर्द हल्का सा कम हुआ है, बाकी जो भी जाँच अगर है सब करवा चुके हैं। देख रहे हैं पानी उधर चढ़ रहा है भाई को, वो पानी इधर चढ़ रहा है भाई को देख सकते हैं पूरा। और इधर मम्मी है, भाई मम्मी रो रही थी, कुछ कर नहीं सकते हैं, कुछ बता नहीं पा रहे क्या हो रहा है, यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिलहाल अभी डॉक्टर बोले ऑपरेशन करना है, तो अभी सब कुछ जांच वगैरह हो चुका है, बाकी दवाई वगैरह इधर देख सकते हैं ये सब दवाई वगैरह इतना सारा है, अभी और भी दवाई चलेगा। फिलहाल अभी देखते हैं जैसा भी होता रहेगा आप लोगों को बताते रहेंगे। फिलहाल भाई अभी थोड़ा सा आराम कर रहा है। तो फिलहाल अभी हम जा रहे हैं बाहर, मतलब हॉस्पिटल से बाहर जा रहे हैं, कुछ साबुन और शैम्पू वगैरह लेना है हाथ धोने के लिए, और एक छोटा सा सैनिटाइजर भी लेना है भाई। हॉस्पिटल में बहुत सारी चीज़ें हैं, यहाँ पर कुछ भी छू रहे हैं तो भाई बहुत सारे बीमारी वाले लोग आते हैं यहाँ पे, तो इसी वजह से हम एक सैनिटाइजर भी छोटा सा ले लेंगे ताकि बार बार हाथ को सैनिटाइज करते रहें। तो भाई ऑपरेशन करना है, डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि ऑपरेशन ही करना पड़ेगा आपको, क्योंकि पथरी है इसके पीत के थैली में, पथरी हो गया है तो उसके वजह से पेट के अंदर इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है ना बेचारा, 10 दिन से परेशान है। तो हमको भाई दर्द का दवा दे रहे थे, बाकी होम्योपैथिक दवा भी करवाए हैं लेकिन आराम थोड़ा भी नहीं मिला उससे। तो सबसे लास्ट में हम लेके आए अभी हॉस्पिटल में, फिलहाल एडमिट हो चुका है, जांच वगैरह हो चुका है। डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि 25 से 30 हज़ार रुपया खर्च लगेंगे। देखिए कहाँ से पैसा व्यवस्था होता है क्या होता है कुछ भी अभी समझ में नहीं आ रहा है। तो अभी जा रहे हैं साबुन वगैरह लेंगे, एक सैनिटाइज़र लेंगे, उसके बाद जाएंगे। अभी मम्मी जाएंगी घर पर, कुछ काम उनको है, मतलब यहाँ पर हम लोग अचानक से आ गए, हम अपने ऑटो से अचानक से यहाँ पर आ गए हैं। भाई जो ऑटो चलाता है तो उस भाई के ऑटो से अचानक से यहाँ पर हम चले आए, ठीक है, क्योंकि इतना ज़्यादा पेट में दर्द हो रहा था ना कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है भाई कि थोड़ा सा आप लोग भगवान से प्रार्थना करिए कि मेरा भाई जल्द से जल्द ठीक हो जाए, प्लीज़ आप लोग भगवान से प्रार्थना करिए मेरे भाई के लिए। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, हो चुका है सुबह, रात को भाई हॉस्पिटल में मेरा भी तबीयत अचानक से ख़राब होने लगा था, तो मम्मी को मैंने कॉल किया, मम्मी हॉस्पिटल में रात को रुकी हैं और रात को हम घर पर चले आए थे। तो भाई अच्छा खासा रात भर सोया, मतलब अच्छा खासा सोया फिर भी आराम नहीं मिला हमको, दवा का रखा के सोया था। तो फिर से मैंने एक दवा ले लिया पैरासिटामोल, अभी क्या है ना कि देख सकते हैं चाय के दुकान पे रुके हुए हैं और यहाँ पे बनवा रहे ब्रेड टोस्ट, ब्रेड टोस्ट अगर खाने के बाद दवा खा के फिर हॉस्पिटल चलेंगे। मम्मी अभी हॉस्पिटल में ही है,
तो मम्मी रात भर हॉस्पिटल में रुकी है, मम्मी को घर भेज देंगे और हम जाएंगे दिन भर हॉस्पिटल में रहेंगे। तो फिलहाल डायरेक्ट चलते हैं दवा वगैरह खाने के बाद हॉस्पिटल। जैसा भी देखिए तबीयत मेरा तो भाई का तो पहले से खराब है और हमारा भी खराब होने लगा है। मतलब भाई का कुछ अलग दिक्कत है, हमको तो खैर बुखार है, हमारा टेंशन नहीं भाई, मेरा भाई सही हो जाएगा तो सब कुछ, मेरा भी जो बुखार वगैरह सब चला जाएगा। तो फिलहाल ब्रेड टोस्ट खाते हैं और दवा खाते हैं, निकलते हैं हॉस्पिटल। तो फिलहाल भाई लग चुका अपना ब्रेड मक्खन वाला टोस्ट, तो इसको करेंगे फिनिश, फिर दवा वगैरह खाएंगे, निकलेंगे। अपना ऑटो इधर खड़ा है, ऑटो चला के ही जाएंगे क्योंकि भाई अपने पास तो बाइक है नहीं ना। फिलहाल भाई पहुंच चुके हॉस्पिटल के अंदर, गाड़ी को इधर लगा दिया ऑटो को, तो ऑटो भाई दिन भर अब यहीं पे खड़ा रहेगा, जब हम शाम को घर पे जाएंगे ना तो फिर ऑटो चला के जाएंगे। तो देख सकते हैं ये हॉस्पिटल का सुबह का व्यू। तो फट से चलते हैं मम्मी के पास में, मतलब जहाँ पे मेरा भाई भर्ती है, और मम्मी को देते हैं छुट्टी, मम्मी जाएंगे घर पे और हम यहीं पे दिन भर रहेंगे। अभी हमारे पास गेट पास नहीं है, मम्मी के पास गेट पास है, तो यहाँ पे क्या है ना कि एक लोग सिर्फ अंदर रह सकते हैं, या हम रहते या मम्मी रहती, तो इसी वजह से अभी गार्ड साहब बुलाने गए हैं मम्मी को, गेट पास लेके आएंगे, उसके बाद फिर हम अंदर जाएंगे, मम्मी बाहर आएंगी। तो ये नियम सही है यार, ज़्यादा भीड़ लगाने से मतलब नहीं है, पेशेंट के पास एक लोग रहे सही है। उसको तो भी क्या है ना कि टाइम मिलता है 4 बजे से, शायद सुबह 8 से एक घंटा शायद मिलता है 9 बजे तक, मतलब चाहे जितना भी लोग आइए अपना आराम से पेशेंट से मिल लीजिए, उसके बाद फिर शाम को चार बजे मिलने देते हैं ना सबको। अच्छा तो शाम को 4 बजे से 5 बजे तक भी आके सब मिल के जाते हैं, कितना 4 से 6 बजे तक 2 घंटा पूरा फैमिली आके मिल सकते हैं, बाकी दिन भर एक लोग रहेंगे। तो हमारी मम्मी भी आ गई है गेट पास लेके, ये अपना गेट पास है, चलते हैं अंदर हम, कुछ देर में मम्मी को बाहर भेज देंगे। तो फिलहाल अंदर आ चुके हैं, इधर इधर इधर, और छोटा वाला भाई को इधर बाथरूम लगाए लेके जा रहे हैं, तो रात भर मम्मी रुकी थी, अब हम दिन भर रुकेंगे, तो फिलहाल बाथरूम वगैरह करवाते हैं फिर लेके चलते हैं बेड पे, वहीं बैठे रहेंगे हम। तो भाई टाइम हो चुका दोपहर का 11 और हम लोगों को हॉस्पिटल में खाना मिल चुका है। तो भाई तो अभी खाना, इसको मतलब खाना खाना मना है, तो खाने में भाई चावल रोटी और पनीर और नेनुआ का सब्जी देख सकते हैं फर्स्ट क्लास बना हुआ है, और दाल भी मिला हुआ है भाई। तो दाल मैंने गिलास में उधर रखा हुआ है, वो देखिए गिलास दिख रहा होगा, वो देख गिलास, उसमें दाल भरा हुआ है। तो फिलहाल खाना को फिनिश करते हैं। सर दवा वगैरह ख़त्म हो गया था तो लेने के लिए आए थे, और अंदर भाई दवा का दुकान वगैरह भी है, पानी इंजेक्शन दवा तो ले लिया मैंने। अभी मम्मी भी आ गई है घर से, तो मम्मी को भी अंदर एंट्री करना है और दवा वगैरह देते हैं भाई के पास में। तो फिलहाल भाई हॉस्पिटल से हम लोग आए थे फिर से अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन करवाना था भाई का। तो क्या है ना कि डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि ऑपरेशन से पहले फिर से एक बार आपको करवाना पड़ेगा। तो हम लोग यही करौली डायग्नोस्टिक, क्या लिखा भाई, डायग्नोस्टिक्स, इसी में आए हुए थे करवाने के लिए अपना अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन। तो फाइनली हो चुका है और भाई इधर बैठा है देख रहा है, और अभी जस्ट रिपोर्ट मिला है, भाई को बैठा के लेके आए हुए, भाई का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो अभी क्या है ना कि कल या परसों भाई का ऑपरेशन होने वाला है, जैसा भी होता है आप लोगों को पता चलता रहेगा, बस भगवान से आप लोग मनाएंगे सब कुछ जो भी है सही से हो जाए। और फिलहाल ऑटो से ही आए हुए भाई को लेके, तो अभी फिलहाल निकल रहे हैं फिर से हॉस्पिटल, क्योंकि 1 से 1.5 घंटा हम लोगों को हो गया आए हुए, जस्ट अभी मिला है हम लोग को रिपोर्ट वगैरह सब कुछ मिल चुका है, अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन दोनों ही हो चुका है। तो गुड मॉर्निंग आप सबको, आज है 4th दिन, मतलब आज भाई का ऑपरेशन होने वाला है। तो कल रात को मेरा भाई ने खिचड़ी वगैरह खाया था, तो रात को 10 बजे के बाद डॉक्टर ने मना कर दिया, भाई कुछ नहीं खाना है आपका, सुबह ऑपरेशन है। तो भाई पूरा रेडी हो चुका है ऑपरेशन के लिए, बाकी जो भी दवाई वगैरह चाहिए था सब कुछ आ चुका है, और ड्रेस अगर ही पहन लिया भाई ने, कि भाई जो ऑपरेशन थिएटर में जाने के पहले कुछ ड्रेस पहनाया जाता है बेड पे, तो वो वाला पहन चुका है। तो कुछ देर बाद भाई का भी ऑपरेशन चालू होने वाला है, बस आप लोग दुआ करिए भगवान से कि सब कुछ सही सलामत हो जाए। तो फिलहाल चलते हैं भाई से मिलवाते हैं, अभी ऑपरेशन वाला कपड़ा पहन के बैठा हुआ है, वेट कर रहा है, 10 से 15 मिनट बाद ऑपरेशन थिएटर में उसको लेके जाना है। तो देख सकते हैं भाई पूरा ऑपरेशन वाला कपड़ा अगर पहन चुका है, देख सकते हैं ये अलग से पहनाया गया है, और ये ऑपरेशन वाला कपड़ा पूरा भाई रेडी हो चुका है। तो आज इसका ऑपरेशन होने वाला है, किस चीज़ का ऑपरेशन होने वाला है वो आप लोगों को लास्ट में हम बता देंगे, पहले आप लोग भगवान से ये मनाइए कि सही सलामत ऑपरेशन हो जाए। मम्मी उधर टेंशन में बैठी हुई है, देख रहे मम्मी का चेहरा कैसा हो गया है, तो सब कोई टेंशन में है, देखिए बस भगवान से दुआ करिए सब कुछ सही सलामत मेरे भाई का हो जाए। तो फाइनली भाई को लेके आ चुके हैं ऑपरेशन थिएटर के पास में, और अभी आज 4 से 5 लोगों का ऑपरेशन होने वाला है, देखिए भाई का कब तक नंबर आता है। फिलहाल बैठे हुए हैं ऑपरेशन थिएटर के बाहर, और अभी डॉक्टर साहब नहीं आए, डॉक्टर साहब बोला है टाइम दिए थे कि 8:30 बजे ऑपरेशन होगा। अब देखिए भाई मरीज के ऊपर है, 8:30 या 9 भी बज सकता है, 10 भी बज सकता है, देखा जाएगा जैसा भी होगा आप लोग बता देंगे, और वीडियो के एंड में आप लोगों को बताएंगे कि भाई को हुआ क्या था, कि किस लिए ऑपरेशन कराना पड़ रहा है मेरे भाई को। फाइनली मेरे छोटे भाई का ऑपरेशन कंप्लीट हो चुका है, अभी इसको लेके जा रहे हैं ऑपरेशन थिएटर से, फाइनली ऑपरेशन होकर निकल चुका है, अभी हम लोग अपने बेड पे लेके जा रहे हैं। तो ये देख सकते हैं भाई अभी लेटा, अभी फिलहाल बेहोश है भाई,
और पता नहीं कब तक इसको, कब तक होश आएगा भैया? एक घंटे में आ जाएगा? अच्छा अभी होश में है। अच्छा अच्छा हाँ ठीक 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 कोई नहीं, नहीं कोई बात नहीं, अभी जाने दीजिए। तो फिलहाल सही सलामत ऑपरेशन हो चुका है भाई, और आप लोगों को बताएंगे कि किस चीज़ का ऑपरेशन था, कुछ देर और वेट करिए फिर बताते हैं इधर से निकलने के बाद। मतलब अभी तो भाई क्या क्या है, क्या क्या होने वाला है, सब कुछ आप लोगों को बताने वाले हैं। फाइनली भाई जो पीत का थैली होता है ना, पीत का थैली मेरे भाई का निकल चुका है। अब भाई पहले जैसा शरीर अब नहीं रह गया, नॉर्मल पहले नॉर्मल था, अब भाई पीत का थैली निकलने के बाद जैसा कि आप लोग जानते हैं शरीर पहले जैसा नहीं हो जाता है। तो आप लोग ये देख सकते हैं भाई, इसमें ये क्या पानी है क्या, कुछ लिक्विड है। तो ये लिक्विड के अंदर पीत का थैली रखा गया है, ये देख सकते हैं इधर, और इधर है ये पथरी, पत्थर हो गया था। ये छोटा वाला डिब्बी में पत्थर है जो कि पत्थर निकाला गया है, और इसमें पीत का थैली। तो ये अभी जाएगा लैब में जांच होने के लिए कि भाई कैंसर अगर तो नहीं था, तो पूरा जांच अगर होगा कि कैंसर तो नहीं था। और बाकी भेज देते हैं लीजिए भैया। तो फिलहाल भैया को दे दिया है, अभी भाई साहब लेके जाएंगे इसको लैब में जांच अगर करेंगे कि कैंसर तो नहीं था। तो सब कुछ जांच अगर होने के बाद पहले देखते हैं कब तक छुट्टी मिलता है। भाई बहुत ज़्यादा परेशान है यार, पता है भाई का अब नॉर्मल पहले से शरीर नहीं रह जाएगा, क्योंकि पीत का थैली निकल चुका है, मतलब कुछ भी अच्छे से खा नहीं सकता, पी नहीं सकता, भारी सामान नहीं उठा सकता, तो बहुत सारे प्रॉब्लम है भाई। तो फाइनली भी बहुत बड़ा खुशखबरी है, आप लोगों ने देखा मेरे छोटे भाई का ऑपरेशन था। तो फाइनली ऑपरेशन अगर हो गया था, ऑपरेशन होने के बाद हम मम्मी और वहाँ पे एक दो नर्स थे, तो वो सब ले आके भाई को लेटा दिए थे उसके बेड पे जहाँ पे भाई भर्ती था, जिस बेड पे एडमिट था। तो भाई कहने का ये मतलब है ना कि उसी शाम को, मतलब भाई का ऑपरेशन तो हो गया, भाई पैसे का ज़रूरत था घर पे, क्योंकि पैसा भी काफ़ी ज़्यादा लग गया है। तो कोई नहीं, पैसा तो आते जाते रहेगा, भाई से बढ़ के पैसा थोड़ी भाई। तो उसी शाम को मेरा एक बुकिंग कन्फर्म हो गया कोलकाता का, तो भाई को छोड़ के हमें कोलकाता जाना पड़ गया, क्योंकि अपना गाड़ी का किस्त अगर निकालना था। तो मम्मी बोली बेटा अब तो ऑपरेशन हो गया है, बाकी इधर का जो हॉस्पिटल का जो भी चीज़ रहेगा हम संभाल लेंगे, बाकी अगर पैसा अगर ज़रूरत पड़ेगा तो उनको कॉल करेंगे, कहीं से इंतजाम करवा देना। हम बोले मम्मी ठीक है। तो फिलहाल हम चले गए कोलकाता भाड़ा लेके, तो आपको बैक टू बाई बैक टू बैक वीडियो आपको मिलता रहेगा, आपको पता चलेगा कोलकाता हम कहाँ गए थे। बता दें बांग्लादेश अगर आप पूरा घूम के आ गए हैं, वीडियो में आप लोग को पता चलता रहेगा। मतलब ये वीडियो आज अपलोड करने वाले हैं, उसके बाद से अभी तो बहुत सारे वीडियो हैं जो कि आना है, और आप लोग भर भर के उस वीडियो में प्यार दीजिएगा। तो फिलहाल आप लोगों को ये नहीं बताया कि भाई को हुआ क्या था मेरे, तो आज बताने वाले हैं कि मेरे भाई को आज हुआ क्या था, किस वजह से ऑपरेशन कराना पड़ा। तो ये हमारा भाई फिलहाल अभी सेफ है, अभी घर पे आ गया है, और इसी से पूछते हैं इसको एक्चुअली हुआ क्या था। अच्छा पूरी बात बताओ हुआ क्या था, और सब कुछ सही से बताना, मतलब किसी और को ये चीज ना हो। असल में हम जब ऑटो चला रहे थे तो पानी बहुत कम पीते थे। थोड़ा तेज बोलो हल्का सा। जब ऑटो चला रहे थे पानी बहुत कम पीते थे। कम पीते थे, लेकिन हम ये बोलेंगे भाई आप लोग पानी एकदम भयंकर पिया कीजिए, खाना वगैरह बढ़िया से खाया कीजिए, पानी मतलब पीना ही पीना है आपको। पानी कम पीने की वजह से किडनी में इन्फेक्शन हो गया था, और पीत के थैली में पथरी हो गया था 6.9 mm का। पीत के थैली में पथरी निकलता नहीं, पीत के थैली काट के निकालना पड़ता है, जिससे कि अब ना हम ऑटो चला पाएंगे ना कुछ, मतलब एकदम लाइफ खत्म हो गया, मेरा लाइफ कुछ नहीं कर सकते, घर में बैठे रहना पड़ेगा ना, कोई भारी काम तो कर सकते। भारी सामान अगर मैं नहीं उठा सकता, और ज्यादा धूप में नहीं रह सकता, और ज्यादा हैवी खाना जैसे चिकन अगर हो गया, मीट अगर हो गया, मच्छी अगर हो गया, ये सब ज्यादा हैवी खाना भी नहीं खा सकता, मसाला अगर डॉक्टर खाने के लिए मना कर दिया है। बाकी आप लोग को पेट दिखाते हैं कि कहाँ कहाँ पे ऑपरेशन हुआ है, ये देख सकते हैं भाई। टोटल चार जगह भाई का कटा था, 1, 2, 3, 4 जगह। तो ये देख सकते हैं चार जगह टोटल कटा है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये चीज आप लोगों के साथ में ना हो, उसके वजह से आप लोगों को करना है पानी पीना है भरपूर। क्या क्या करना है बता दो। पानी पीना है और हमेशा खाना खाना है, थोड़ा थोड़ा खाइए, हमेशा खाते रहिए, खाली पेट मत रहिए। और समझ लीजिए ऐसा हालत हो गया था कि हम तो सोने से बचेंगे नहीं, हम इतना खतरनाक वाला हालत हो गया था, 20 दिन से सोए नहीं थे, इतना दर्द होता था। हम सोए छोटा मोटा दर्द होगा, डॉक्टर भी बोल रहा था ठीक हो जाएगा, इन्फेक्शन है ठीक हो जाएगा। जब अल्ट्रासाउंड कराया, अल्ट्रासाउंड में छोटा पथरी आया, जब सीटी स्कैन कराए तब बड़ा समझ में आया कितना बड़ा पथरी है। अब डॉक्टर से बहुत सारे डॉक्टर ने सलाह ली है, मेरी मम्मी भी डॉक्टर के घर में खाना बनाती है, उन्होंने बोला ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो समझ लिए कि प्राइवेट हॉस्पिटल में गए, बोला भाई 50,000 कम से कम लगेगा, बोल लेते 30,000 लगेगा, प्राइवेट में जाएंगे 50,000 लग जाना, बोलते हैं 30,000 लगेगा। तो हम लोग गए चैरिटेबल हॉस्पिटल में, जहाँ हमारा लग गया कम से कम 25,000 रुपये, 25,000 लग गया। अब समझ लिए पैसा एकदम नहीं था, अभी मम्मी काम पे पैसा मांग के लाई है, उसके बाद मेरा ऑपरेशन हुआ है, ऐसा हाल हो गया समझ लिए।